तो हम लोग आए हुए हैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में, और हमारे जो प्रीवियस ब्लॉग्स थे ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में, हम किस तरह से आए, क्या क्या है वहाँ पर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये वाला जो ब्लॉग है हमारा ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में, हमने एक एक्टिविटी किया था तो उस एक्टिविटी पे है, वो है फ्लायर। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रहा है ये वाला जो राइड है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाके पूरा वो वाला जो है स्टेशन वहाँ पर एंड होगा। आई होप माय गोप्रो इज ऑन। एनीथिंग आई नीड टू टेक केयर व्हाइल लैंडिंग? जस्ट लिफ्ट अप द फीट अ बिट और स्ट्रेच देम फॉरवर्ड, दैट्स एवरीथिंग। Press just I don't, I should not forget that. I should not be like this. Yeah, huh? Well, it's more as well for the winter when it's a little bit snowy there. Okay, now it's okay. Yeah, you shouldn't touch if you are. Oh, are you traveling by yourself? Yeah. Me and my wife. Yeah. My wife is scared. She is there taking video. She doesn't want to come. Also important. My girlfriend is downstairs. Okay, she's waiting. Also taking video. So this is your first time you're doing? Sorry? This is first time you're doing this? Oh, yeah. Yeah. I've done not the first time this, for you too? A fast drive, yeah. Okay. Scream. Scream, yeah. If you scream, then it's okay. Okay, let's go. Alrighty, you fellas ready? Are you scared? We will do. Little bit. You? No. Okay. I was more scared of the birds. Oh. Then you go like this. Ah. I got the Revo. This is easier than the bird. And it's close. Ah. So you cannot do it. Have fun. Have fun. One, two, three, go! So cold. Cold. Yeah. Come on. Have fun. Yeah. Bye-bye. तो ये है बर्ग रेस्टोरेंट। तो अगर आप ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में आते हैं तो टॉप में आपको ये रेस्टोरेंट दिखेगा, और इस रेस्टोरेंट में अंदर और बाहर दोनों साइड ही सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पर एक सुवीनियर शॉप भी है। तो अगर आपको स्विस सुवीनियर परचेज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुवीनियर्स बहुत एक्सपेंसिव थे। तो हम लोग हैं अभी ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट में, क्लिफ वॉक हमारा हो गया है। यहाँ पर इस वेदर को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या ही कर रहे हैं, ग्लव्स नहीं लेके आए हैं, भूल गए ऊपर नहीं लेके आए क्योंकि नीचे का बहुत सनशाइन था, सुबह को बहुत अच्छा क्लियर वेदर था, तो हमें लगा कि ऊपर भी वैसे ही होगा। ऊपर क्लियर वेदर है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, और उसमें हम बीच में स्नोफॉल भी हुआ। इतना ज़्यादा ठंडी है, पहले ठंडी लग रही थी, अब ये पूरे मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाथ पहनना सुन हो गया, हाँ कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ग्लव्स पहनो नहीं पहनो सब एक। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, और हमने अच्छे पिक्चर्स वीडियोज भी ले लिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं बैक करने वाले हैं। हम अब वापस केबल कार से नीचे जाएंगे। स्नो एवरीवेयर। इतना तो snow if you want you can take sledge also, yeah, because people who are local people, they are even having their own sledge. Yeah, I think that activity is also closed now, this one. No, this one is under maintenance. Feet first. Eek. Careful. Watch your step, Maitri. Heel first, heel, not the toe, heel.
तो ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट से हमने ये केबल कार लिया है और हम लोग जा रहे हैं हमारे बेस स्टेशन में, और सामने ये जो माउंटेन है ये है यंगफ्रो माउंटेन, टॉप ऑफ यूरोप. दैट इज द टॉप ऑफ यूरोप. तो हम लोग आ गए हैं नीचे और बहुत सारा हाइक करके हमें जाना है हमारे शैले तक, हमें वहां तक जाना है. और ये है हम विलेज एरिया में, इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग टायर्ड हो गए हैं, रेस्ट लगाए थोड़ा. तो ग्रिंडलवाल्ड में और स्विट्जरलैंड के बाकी पार्ट्स में भी आपको इस तरह के टैप वाटर मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पानी होता है ये एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है, तो ये बहुत सेफ है पीने के लिए. बहुत हुआ, थोड़ी देर रुकते हैं उसके बाद आगे जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठ कर रेस ले रहे हैं और पीछे ये सुंदर सा वैली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है. हम लोग, हमारा जो शैले है वो काफ़ी ऊपर है, तो हम लोग ये आ रहे थे और विलेज एरिया को भी हमने एक्सप्लोर कर रहे थे. पूरा तो हुआ नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ये जो ईस्ट साइड जो पूरा एरिया है वहाँ पर हम लोग गए और अभी भी जा रहे हैं. अभी ऊपर है हमारा शैले, काफ़ी ऊपर है, टायर्ड हो गए हैं हम लोग. अभी थोड़ा थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद जाएंगे. हम लोग यहाँ पर जब आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ फार्मर्स हैं, तो उनके जो शैले है, अगर उन लोग फार्मर्स अगर घर पे नहीं है तो शैले के बाहर एक नोट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर इन केस इफ़ यू वांट एनी डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क और चीज़, इफ़ यू वांट दैट यू कैन गो इनसाइड एंड टेक बाय योरसेल्फ. तो ये तो बहुत ही अच्छी एक बात है. तो हम लोग उसके वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम लोग उनके घर के अंदर जाएंगे, प्राइवेसी. और फ्रिज डोर लॉक नहीं है और डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि फ्रिज इस साइड है वहाँ से यू कैन टेक. तो वहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है. सो ऑफ कोर्स वहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, सो यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू कीप द मनी ओवर देयर. ये बहुत अच्छी एक चीज देखी हमने. हम और भी जाने वाले हैं विलेज एरिया, एकदम जाएंगे और ऐसे सुंदर वैली हम और भी एक्सप्लोर करेंगे. बस बहुत ज़्यादा हमने, और ये पीछे ही हमारे एक घर है, जैसे वो फेरी टेल में जिस तरह के घर होते हैं ये उसी टाइप के हैं. फेरी टेल में जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह के छोटे छोटे. I think this way. तो सामने का जो व्यू है ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारा हाइक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं हमारे शैले में. तो ये सामने ये जो है ये हमारा शैले है और ये हमारा रेंटेड कार है. तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं इंटरलाकेन, वहाँ हम लोग लेक ब्रिंस में बोटिंग करने वाले हैं और फिर वहाँ से जाएंगे एक बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल में. सो स्टे ट्यून्ड.